हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। ही तो फ्रेंड्स, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और हम वैसे सोच तो रहे हैं कि घूमने जाएं। शाम को घूमने जाते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करेंगे। और क्या है, इंजॉय करेंगे, इंजॉय। तो दोस्तों, यहाँ से होते हुए जाते हैं, स्टीप स्लोप से होते हुए। और क्या है कि थोड़ा सा रनिंग वॉकिंग भी हो जाएगी। वैसे तो आज मेरा दिन में जाने का प्लान था, लेकिन यार दिन में बड़ी गर्मी होती है ना, इसलिए यहीं से चलते हैं फटाफट। यहाँ पर एक वुड पीकर का घोंसला है इसके ऊपर, और वहाँ पर एक सुंदर सा गांव है। वहाँ से होते हुए मैं निकलता हूँ, बिल्कुल शांति है, जिसे कहते हैं शहर से दूर एकदम। यहाँ पर मिट्टी के घर हैं भाई चारों तरफ, ये देखो। और अच्छी स्मेल आ रही है गाँव वाली। तो यहाँ से अपन लोग अब मेन रोड की तरफ निकल चुके हैं, और भाई यहाँ से देखो पहाड़ों का व्यू कितना अच्छा आ रहा है सीधा। तो यहाँ पे दोस्तों एक पुराना सा मंदिर भी है, और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी दिख रहा है हमको। शाम हो गई है, वैसे मैंने जूते पहने हैं, मैं अंदर जाऊँगा नहीं, अभी बाहर से हाथ जोड़ के चल देते हैं। ठंड, चिड़िया कितने मस्त तरीके से बैठी हैं ऊपर, ये देखो। गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि, और ये खाते हैं यहाँ पे, खाते खाते चलते हैं पैदल पैदल। दोस्तों आज कौन सी आइसक्रीम खाएं समझ नहीं आ रहा है। जराज वाली आइसक्रीम, पूछ वाला कपड़ा ला दो, बटर वाली है। गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि, और ये खाते हैं यहाँ पे, खाते खाते चलते हैं पैदल पैदल। तो मैं यहाँ के बस स्टैंड में आया हूँ दोस्तों, और यह इस कोन वाली बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रही है सच में, ये तो फेवरेट है यार। बिना इसके गर्मी कटती नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट वाइट भी सब सुविधाएं लगाई हैं। इसको खाते हुए चलते हैं भाई सीधा आगे की तरफ को। जेंट्स की है पेंट क्यों नहीं है फिर, जेंट्स की आप भी पहन सकते हो, इसमें देखना नेट में डंगेरी करके बड़े लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। किस क्या क्या नाम था इसका? डंगेरी। ही इज अवर ग्रैंडपा एंड ही इज सिटिंग ओवर हियर। अच्छा, तो डंगेरी की कहानी दोस्तों जिसको पता नहीं है ऐसी है, डोंगरी में अंग्रेज आए थे तो 17वीं शताब्दी में उन्होंने, कहते हैं वहाँ कुछ एक कपड़ा बनता है, वहीं से उन्होंने बनाया, मतलब इंडिया का ही है, मुंबई का। अच्छा अच्छा, ये अच्छा इसका तो ये इसलिए, अब क्योंकि वहाँ पे वो था ना फैक्ट्री वैक्ट्री में लोग काम करते थे, तो उसी पर्पज से बना था है कि जिससे मतलब कंफर्टेबल हो फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करने के लिए, ज़्यादा वो ना हो करके। तो दोस्तों आजकल गर्मियों में क्या हो रहा है, लाइट। तो यहाँ पे हम नाना जी से गप्पे मार रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं। इनको मैंने बताया कि ये टोपी पहनी है, ये मेरी है करके, मतलब इनकी है करके, तो उनको वो पता नहीं था तो काफ़ी प्रसन्न हुए वो जान के। तो इस व्लॉग को तो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिन में बहुत गर्म हो रहा है, घूमने का मन तो रात को ही हो रहा है। बाय 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 बाय।